हेलो डियर स्टूडेंट्स, बैक विद अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, और थोड़ा सा 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो भी जो है हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो ये जो है पॉलिटी की चौथी क्लास है। इससे पहले जो है मैंने तीन क्लास जो है ले रखी हैं ऑलरेडी, जहाँ पर मैंने जो है आप लोग को डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया है। तो उसी के आगे जो है कंटिन्यू करने वाले हैं और संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ते हैं। ठीक है, तो बोर ना करते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी का वेलकम और हार्दिक अभिनंदन और सबका सुस्वागत है। हाँ, गुड इवनिंग दिव्या। चलिए शुरू करते हैं फिर हम लोग, और हेडिंग डालोगे अब आप लोग बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 में क्या आता है बेटा? 1935 में ही आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। यहां से हम लोग को स्टार्ट करना है, है ना। पिछला मैंने आप लोग को थोड़ा सा बता दिया कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था बेटा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कई सारे एक्ट्स किए थे, जैसे इंडियन काउंसिल एक्ट किया, इसके बाद आपका जो क्या कहते हैं, जब मोतीलाल नेहरू ने डिमांड किया था डोमिनियन स्टेट का, तो बस वहीं से जो है क्या हुआ था, एक विवाद हुआ था जिससे कांग्रेस जो है दो हिस्सों में बट गया था। एक था ओल्ड कांग्रेस और एक था बेटा यूथ कांग्रेस। इन दो हिस्सों में जो है बट गया था। यूथ कांग्रेस के ही जो है अध्यक्ष हुआ करते थे या चेयरमैन हुआ करते थे, उनका नाम क्या था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इन्होंने ही डिमांड किया पूर्ण स्वराज का। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिमांडेड पूर्ण स्वराज, तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए बेटा। तो 1935 में क्या आता है, 1935 का ही आता है क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। और इसको सीधा सीधा बेटा हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उतार दिया है। 80% ऑफ दिस 80% ऑफ दिस एक्ट इज टेकन इन कॉन्स्टिट्यूशन, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको सीधा सीधा लगभग 80% भाग जो है इसका क्या किया गया है, उठा लिया गया है, रख लिया गया है ना। बट क्या इसमें फंडामेंटल राइट्स थे? तो भैया इसमें भी फंडामेंटल राइट्स हम लोग को नहीं मिले थे, ठीक है ना। बट इसमें फंडामेंटल राइट्स नहीं थे, देयर वॉज नो प्रोविजंस फॉर फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के कोई भी क्या नहीं थे बेटा, प्रोविजंस नहीं थे, है ना। हमारे मौलिक अधिकारों का कोई भी जो है यहाँ पर प्रोविजन नहीं था। हालांकि अंग्रेजों ने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स जो है इसी एक्ट में जो है आप लोग को मिल जाएंगे। तो बेटा अंग्रेज वैसे भी जो कहते थे वो करते नहीं थे, है ना। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें इस एक्ट के तहत क्या क्या हुआ, तो लिखेंगे बेटा अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट ड्यूअल गवर्नेंस इन प्रोविंसेस प्रोहिबिटेड। ठीक है, लिखोगे बेटा अबोलिशन ऑफ ड्यूअल गवर्नेंस। अभी मैंने आप लोग को बताया था बेटा प्रांतों में द्वैत शासन लगा था या फिर ड्यूअल गवर्नेंस लगा था। जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताइए बेटा, ये जो ड्यूअल गवर्नेंस इन प्रोविंसेस लगाया गया था वो किस एक्ट के तहत लगाया गया था, जल्दी से बताइए। ये मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है, बोलो बेटा पढ़ाया हुआ तो कम से कम बताओ। में लगा था, कब लगा था, तो जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट आया था तब जो है ये लगा था, है ना। और बंगाल में सबसे पहली बार ड्यूअल गवर्नेंस किसने लगाया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था। वेरी गुड अनाया और दिव्या, गुड। चलिए आगे की तरफ जो है हम लोग बढ़ेंगे बेटा। तो यहाँ पर क्या किया गया बेटा, इसको जो है हटा दिया गया। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो 1935 में ही सुप्रीम कोर्ट शिफ्ट किया गया कलकत्ता से दिल्ली। तो लिखोगे बेटा 1935 सुप्रीम कोर्ट
शिफ्टेड टू दिल्ली। दिल्ली में जो है क्या किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट शिफ्ट किया जाता है। कहाँ से बेटा? तो फ्रॉम कलकत्ता, कलकत्ता से ही सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में शिफ्ट कर दिया जाता है। और ये जो है वर्किंग इसकी कब शुरू हुई थी, तो ब्रैकेट में लिखोगे बेटा स्टार्टेड वर्किंग इन, स्टार्टेड वर्किंग इन 1937। 1937 में दिल्ली से जो है सुप्रीम कोर्ट अब रन करने लगा था। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो इसी के तहत क्या होता है, 1 अप्रैल, ये डेट याद रखना आप लोग, 1935 को क्या होता है, आरबीआई की स्थापना। इस समय के जो भी वॉइसरॉय थे बेटा, उन्होंने जो है इसको जो है शिफ्ट करवाया था, ठीक है ना। और ये जो शिफ्ट करवाने का काम था, ये सारे का सारा काम जो है कौन कर रहा था, तो ब्रिटेन की संसद, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी वो काम कर रही थी, समझ गए। हाँ, तो फाइनली आरबीआई की भी स्थापना हो गई है, जिसको बैंक ऑफ बैंक्स कहते हैं या सुपर बैंक कहते हैं। भाई जब हम लोग इकोनॉमी पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा ही फोकस हम लोग का किस पे होता है, आरबीआई पे होता है, और आरबीआई की जो भी मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं उनके ऊपर होता है ना। चलिए, इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो 1937 में ही देखो सेपरेट होने का पार्ट आ गया था इसी एक्ट में, लेकिन सेपरेट कब हुआ था, तो 1937 में जो बर्मा था बेटा उसको सेपरेट कर दिया गया। 1937 बर्मा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। जल्दी से बताओ बेटा बर्मा का नया नाम क्या है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग अभी म्यांमार कहते हैं। पहले जो है इसे किस नाम से जाना जाता था, बर्मा के नाम से जाना जाता था, समझ गए। तो इसको जो है आप लोग फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। हो गया सबका, आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग ना। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे बेटा हमारी संविधान सभा कैसे बनती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनना स्टार्ट होती है, ठीक है। इसको हटाते बेटा, चलिए इसीलिए मैं थोड़ा धीरे भी लिख रहा हूँ कि आप लोग जो है मेरी स्पीड को मैच कर पाओ ना। हेडिंग डालोगे आप लोग बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कनेक्शन वहीं से रहेगा जहां से अभी मैंने जो है छोड़ा है पीछे, है ना। लेकिन चूंकि यहां से जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनना शुरू होती है, या जो हमारी संविधान सभा जो है बनना शुरू होती है, तो मैं आप लोग को हैडिंग डलवा के करवाता हूँ, ठीक है। संविधान सभा, आधा वाह होता है। आज जो बेटा हम लोग लोकसभा और राज्यसभा जानते हैं ना बेटा, वही पहले क्या हुआ करता था, तो वही पहले आपका संविधान सभा हुआ करता था बेटा, ठीक है। आज जो हमारा लोकसभा राज्यसभा है, वही पहले जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा हुआ करता था, ठीक है, आजादी से पहले। तो सबसे पहले जो है ये जानेंगे कि भारत में संविधान की मांग सबसे पहले किसने की, हु डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट, हु डिमांडेड को डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, या इसकी मांग जो है सबसे पहले किसके किसके द्वारा की गई। तो देखो बेटा सबसे पहले अगर बात करें वर्बल बोले तो मौखिक रूप से, सिर्फ बोलकर, इसके जो है हम लोग के पास साक्ष्य नहीं है, साक्ष्य बोले तो एविडेंस नहीं है कि ऐसा कुछ था भी, लेकिन चूंकि जो है बोला गया है लोगों, आगे जो है बात चलती है कि किसने जो है सबसे पहले क्या कहा। तो सबसे पहले इसकी मांग की थी किसने बेटा, बाल गंगाधर तिलक ने, है ना। और आप लोग को पता होना चाहिए गंगाधर ही शक्तिमान है, ठीक है। कब की थी बेटा, 1895 में की थी। कब की थी, 1895 में की थी। इसके अलावा बेटा सबसे पहली डिमांड किसने की बेटा, फर्स्ट रिटन डिमांड किसने की थी बेटा,
या ऑफिशियल डिमांड, फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड जो है इसकी किसने की, तो पहली ऑफिशियल डिमांड जो है करते हैं कौन बेटा, तो एमएन रॉय करते हैं। कौन करता है बेटा, एमएन रॉय करते हैं, ठीक है। और कब करते हैं, तो 1934 में जो है पहली ऑफिशियल डिमांड होती है किसकी बेटा, संविधान सभा की। इसके बाद बेटा 1936 में दोबारा से जो है डिमांड किया जाता है किसके द्वारा, तो बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है इसकी डिमांड की जाती है ना। लेकिन अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारत की संविधान सभा बने, ठीक है, अंग्रेज बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि भैया इंडिया का कोई जो है संविधान हो। लेकिन क्या होता है बेटा, 1939 में, बट इन 1939 में क्या होता है बेटा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड। अब देखो बेटा, इससे पहले भी जो है एक बार वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ था तो अंग्रेजों ने ही गांधी जी से मदद मांगी थी, और गांधी जी ने ही जो है भारत के सिपाहियों को ही बोला था कि आप लोग जो है मदद करिए, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो है पार्टिसिपेट किए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की तरफ से। सेकंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू होता है बेटा, तो फिर ब्रिटिश आर्मी को या ब्रिटिश पार्लियामेंट को फिर से जो है इंडियंस की जरूरत पड़ती है, और जब जरूरत पड़ती है तो बेटा अंग्रेज लोग कहाँ जाएंगे, अंग्रेज लोग जाएंगे कांग्रेस के पास, है ना। तो इसमें बेटा, इसमें भारतीय सैनिकों की जरूरत पड़ती है, भारतीय सैनिकों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो अंग्रेज लोग जो है कहाँ जाएंगे बेटा, तो अंग्रेज लोग कांग्रेस के पास जाएंगे, ठीक है, और कांग्रेस से कहेंगे कि भैया हमें फिर से जो है हेल्प चाहिए, मदद चाहिए। अब जब यहां पर जो है ये बात होती है तो कांग्रेस कहती है ठीक है भैया आपकी मदद की जाएगी, आपकी मदद की जाएगी, लेकिन पहले आप जो है क्या करिए, हमारी जो है संविधान सभा बनवा दीजिए, ठीक है। तो संविधान सभा बनाने के लिए ही जो है क्या होता है, सबसे पहले 1940 में ही भेजा जाता है क्या, ऑगस्ट ऑफर भेजा जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट्स एंड सेंट ऑगस्ट ऑफर या इसकी जिसको आप लोग क्या कहते हो, अगस्त प्रस्ताव कहते हो। और याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए बेटा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सबसे पहली डिमांड को एक्सेप्ट किया गया था किसके द्वारा, तो अगस्त ऑफर के द्वारा। तो एक पॉइंट यहां पर आप लोग एड ऑन कर सकते हो, इसे क्या कहते हैं हम लोग, फर्स्ट एक्सेप्टेंस ऑफ, इस अगस्त ऑफर को क्या कहते हैं बेटा, फर्स्ट एक्सेप्टेंस ऑफ डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को शॉर्ट फॉर्म में सीए लिख रहा हूं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को सबसे पहली बात किस ऑफर के तहत जो है एक्सेप्ट किया गया था, तो अगस्त ऑफर के तहत। कब किया गया था बेटा, 1940 में किया गया था, किसके द्वारा, तो ब्रिटेन की संसद के द्वारा। लेकिन बेटा हम लोगों ने मांगा था बिरयानी, और हम लोगों को मिलता है क्या बेटा, हम लोग को मिलता है दाल चावल। कहने का मतलब क्या है, इसमें जो जो चीजें हम लोग को चाहिए थी वो चीजें नहीं मिलती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसको रिजेक्ट कर देते हैं। लिख लेना बेटा, इट वॉज रिजेक्टेड। इसको जो है क्या किया जाता है, इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना, इट वॉज रिजेक्टेड। और इसी के ही उसमें विरोध में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है क्या कहते हैं बेटा, तो इसी को कमेंट करते हुए कहते हैं, दरवाजे में जंग लगी की। तो एक पॉइंट लिखोगे बेटा, पंडित नेहरू सेड क्या कहा था बेटा, दरवाजे में जंग लगी कील। इसे क्या कहा था बेटा, दरवाजे में जंग लगी कील, या आप कहोगे बेटा रस्टेड डोर नेल। तो इंग्लिश में हम लोग ने बना दिया है, हालांकि जो है ये जो हिंदी में कहा था इसको भी जो है आप लोग ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमा में जो है कोट करके जो है लिखोगे, ठीक है, इसको रिजेक्ट करते हुए कि भैया ये हमको नहीं चाहिए।
समझ गया। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, इंटरवल करते हैं। हाँ, किसी को मन में कोई डाउट आ रहा हो तो पूछे। बहुत जल्दी हम लोग आजादी की तरफ बढ़ने वाले हैं, बढ़ ही रहे हैं आजादी की तरफ। 1940 पे आ ही गए हैं, है ना। 47 में आजाद हो जाएंगे। कैमरा खोल लेते हैं एक बार, अपनी शक्ल दिखा देते हैं आप लोगों को। किसी के मन में कोई डाउट, कोई दुविधा, कोई परेशानी तो प्लीज बताएं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड, शाबाश, सारे बच्चे हमारे समझदार हैं। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ हम लोग। इसके बाद क्या होता है बेटा, 1940 में ही, 1940 में ही क्या होता है आपका, इसको तो रिजेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट होता है। इंडिविजुअल इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्टेड। इंडिविजुअल सत्याग्रह की जो है शुरुआत होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहले पर्सन कौन थे, फर्स्ट पर्सन कौन थे जिन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया, तो इनका नाम था विनोबा भावे। क्या नाम था बेटा? विनोबा भावे, विनोबा भावे साहब थे। इसके अलावा जो सेकंड पर्सन थे बेटा, वो कौन कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं बेटा पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। तो नेहरू जी थे बेटा। इसके बाद बेटा अंग्रेजों ने क्या भेजा? इसके बाद चलो भैया ये इसको तो रिजेक्ट कर दिया गया, तो अंग्रेजों ने क्या भेजा? नाउ नाउ 1942 ब्रिटिश पार्लियामेंट, बीपी लिख रहा हूं, ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड क्रिप्स मिशन। क्या भेजते हैं बेटा? क्रिप्स मिशन भेजते हैं, क्रिप्स मिशन या क्रिप्स अभियान भेजते हैं बेटा। और ये जो क्रिप्स मिशन था, इसमें ये था कि कुछ सब कुछ भारत के हिसाब से हो, बट मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स होंगे वो किसके किसके हिसाब से होंगे बेटा? वो होंगे अंग्रेजों के हिसाब से। कहने का मतलब क्या है? एवरीथिंग विल बी अकॉर्डिंग टू इंडियंस, अकॉर्डिंग टू इंडियंस, या आप कहोगे कांग्रेस, कांग्रेस है ना। एक्सेप्ट 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 फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स को छोड़ के सब कुछ जो है कांग्रेस के हिसाब से होने के लिए तैयार था, ठीक है। लेकिन इसको भी जो है हम लोग क्या कर देते हैं, इसको भी हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं। दिस वॉज ऑल्सो रिजेक्टेड, दिस वॉज ऑल्सो रिजेक्टेड, है ना। दिस वॉज ऑल्सो रिजेक्टेड। तो भैया उस समय तक हम लोग का काम बिरयानी में चल जा रहा था, लेकिन अब जो है हम लोग को बिरयानी के साथ साथ क्या चाहिए था बेटा? तो कोरमा भी चाहिए था, लेकिन नहीं दिया अंग्रेजों ने। जब नहीं दिया तो इसको भी जो है रिजेक्ट कर दिया गया। और रिजेक्ट करते हुए गांधी जी ने क्या कहा बेटा इसको? तो गांधी जी सेट, गांधी जी सेट, गांधी जी क्या कहते हैं बेटा इसको? इसको कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक। क्या कहते हैं बेटा? पोस्ट डेटेड चेक। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना भी हुआ है कि पोस्ट डेटेड चेक गांधी जी ने किस किसके लिए कहा था? तो किसके लिए कहा था बेटा? तो ये कहा गया क्रिप्स मिशन के लिए, क्रिप्स मिशन के लिए जो है ये कहा गया है। इसके अलावा बेटा अब नेहरू जी कहाँ पीछे रहने वाले थे, तो नेहरू जी भी कमेंट करते हैं यहाँ पर। नेहरू जी सेड, नेहरू जी क्या कहते हैं बेटा इसको? इसको कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक ऑफ सिंकिंग बैंक, पोस्ट डेटेड चेक ऑफ सिंकिंग बैंक, ठीक है। सिंकिंग बैंक बोले तो डूबते बैंक, डूबते बैंक का ही पोस्ट डेटेड चेक जो है कहा गया किसको बेटा? तो कहा गया क्रिप्स मिशन को, क्रिप्स मिशन को ये कहा गया।
आई होप आप लोग को चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। इसके बाद बेटा 8 अगस्त, आज 8 अगस्त 1942 में ही क्या स्टार्ट होता है, तो अगस्त रेबेलियन या क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड, ठीक है, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम लोग अगस्त रेबेलियन कहते हैं अंग्रेजी में, और अगर आप हिंदी में लिखोगे तो लिखोगे बेटा अगस्त क्रांति, इसे ही कहते हैं, ठीक है। और यहीं पर बेटा क्या बोला गया था, यहीं पर बोला गया था कि भैया अंग्रेजों भारत छोड़ो, नहीं तो आपकी बैंड बजा दी जाएगी, ठीक है। तो 8 अगस्त 1942 को ही क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, क्योंकि अगस्त में हुआ था, दैट इज वाई इट इज नोन एज अगस्त क्रांति या अगस्त रेबेलियन। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। अब इस समय तक बेटा 1945 आते आते, 43, 44 आते आते, जो वर्ल्ड वॉर था बेटा अपने चरम सीमा पे था। कहने का मतलब क्या है, लोग बिल्कुल मर रहे थे बेटा, बहुत ज्यादा जो है लोग मर रहे थे, ठीक है। और टिल 1945 इस समय जो है ना ही जापान जो है हार मानने को रेडी था, ना ही जो है हार मानने को रेडी था कौन बेटा, यूएसए। अब यूएसए बेटा उस समय न्यूक्लियर अटैक करता है, ठीक है, यूएसए जो होता है बेटा अब न्यूक्लियर अटैक करता है, ठीक है। और क्या करता है, किस पे करता है, ये भी अभी मैं आप लोग को बताता हूँ। चलिए इसको थोड़ा सा ऐसे करके और ऊपर कर दे, आपको हल्का सा ऊपर कर लिया है। चलिए तो होता क्या है बेटा, 6 अगस्त 1945 को ही हिरोशिमा पर, कहां पर बेटा, हिरोशिमा पर। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो 9 अगस्त 1945 को ही नागासाकी पर, नागासाकी पर क्या होता है बेटा, न्यूक्लियर अटैक होता है, न्यूक्लियर अटैक बाय यूएसए, यूएसए के द्वारा जो है न्यूक्लियर अटैक होता है, ठीक है। दो बम गिराए गए थे, एक का नाम था फैट मैन और एक का नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था बेटा, फैट मैन एंड लिटिल बॉय, ये दो जो है आपके गिराए जाते हैं, क्या बम गिराए जाते हैं, और लगभग लगभग बेटा आधी जनता जो है जापान की क्या होती है बेटा, समाप्त हो जाती है, बहुत लोग मरते हैं, मतलब मरते तो हैं साथ ही साथ बेटा उनके जीन्स में भी जो है इसका असर आ जाता है। तो कई सालों तक की जो बच्चे हुए बेटा वो कई सारी परेशानियों से जो है जूझते रहे, इतना ज्यादा खतरनाक होता है न्यूक्लियर अटैक बेटा, ठीक है। इसके बाद बेटा 15 अगस्त 1945 जापान जो है क्या करता है, सरेंडर कर देता है, जापान जो है सरेंडर कर देता है, लड़ाई में जो है क्या कर लेता है बेटा, हार मान लेता है, ठीक है। और इसी के बाद क्या होता है, इसी के जस्ट बाद आपका 24 अक्टूबर 1945 को किसकी स्थापना होती है बेटा, तो यूएनओ की स्थापना होती है, यूएनओ वाज एस्टेब्लिश्ड, और यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है जल्दी से बताओ मेरे को, कहाँ है, स्टैटिक जीके बेटा आप लोग को करते हुए चलना है ना, स्टैटिक जीके जो है आप लोग को नहीं बताया जाएगा कि ये कर लो वो कर लो, ठीक है, स्टैटिक जीके जरूर करो। हाँ कहाँ है बेटा, न्यूयॉर्क में है, और न्यूयॉर्क कहाँ है बेटा, यूएसए है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसे कहते हैं, और ये इसलिए बनाया गया था ताकि आगे थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, ठीक है। तो इस पे कई सारे देशों का सिग्नेचर होता है बकायदा, ठीक है, इसलिए जो है इसको बनाया गया था। अब जो है धीरे धीरे बेटा ब्रिटेन के पास पैसा भी नहीं होता इतना कि दोनों जगह पर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन चला पाए, ठीक है। इसके अलावा यूएनओ भी दबाव बना रहा था ब्रिटेन के ऊपर, इसके अलावा हम लोग तो बेटा उंगली किए हुए थे अच्छे से,
ठीक है, तो हार मानकर बेटा क्या होता है, हार मानकर 1946 में ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या भेजती है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट भेजती है कैबिनेट मिशन प्लान। क्या भेजती है बेटा, कैबिनेट मिशन प्लान भेजती है। और कैबिनेट मिशन प्लान की अगर बेटा बात करें तो इसमें हम लोग को वो सारी चीजें मिल जाती हैं जो हम लोगों को चाहिए होता है। ठीक है, तो ये बेटा 3 लोगों की सदस्यता में भेजा गया था, 3 मेंबर्स थे इसमें। और ये 3 मेंबर्स कौन कौन से थे बेटा, तो एक का नाम क्या था, एक का नाम था अलेक्जेंडर, एक का नाम था बेटा क्रिप्स, और एक का नाम था बेटा पैंथिक लॉरेंस। पैंथिक लॉरेंस, इनकी सदस्यता या इनके ही मेंबरशिप में जो है ये आपका कैबिनेट मिशन प्लान भेजा जाता है। और इसी मिशन प्लान के ही तहत क्या होता है बेटा, इसको एक्सेप्ट किया जाता है। और इसी मिशन प्लान के तहत 1 जुलाई 1946 को क्या होता है बेटा, फर्स्ट इलेक्शन होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, फर्स्ट इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के पहले जो है निर्वाचन होते हैं या पहले इलेक्शन होते हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए आप लोग। हटा दिया जाए इसे। जब ये इलेक्शन होता है, तो जब ये इलेक्शन होता है बेटा, जिन लोग ने नहीं लिखा है अगर लिखना चाहो लिख दो, मैंने फिर से लगा दिया। चलिए, तो जब ये इलेक्शन होता है तो उस समय जो टोटल मेंबर्स हुआ करते थे वो कितने थे बेटा, टोटल मेंबर्स थे 389। कितने थे, 389। और इन्हीं 389 में से आपका 292 जो है कहाँ के थे, तो 292 ब्रिटिश प्रोविंस के थे। ब्रिटिश प्रोविंस का मतलब क्या है बेटा, ऐसे प्रोविंस या ऐसे स्टेट जहां पर अंग्रेजों का पूरी तरीके से क्या है बेटा, शासन है। ठीक है, इसके अलावा 93 इंडियन प्रोविंस के हुआ करते थे। इंडियन प्रोविंस का मतलब क्या है, जहां पर अभी भी राजा महाराजा जो है रूल कर रहे हैं लेकिन किसके अंडर में है, तो वो अंग्रेजों के ही अंडर में है। ठीक है, इसके अलावा जो है 4 आपके थे कहां से, तो 4 आपके थे ब्रिटिश कमीशन से। तो ये जो है टोटल मेंबर हुआ करते थे, ये जो है आपके टोटल मेंबर हुआ करते थे। लेकिन जब इलेक्शन होता है, बट इलेक्शन इलेक्शन सिर्फ 296 सीटों पर होता है, सिर्फ 296 सीट्स पर होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, दावेदार टोटल मेंबर्स जो है 389 थे, लेकिन इलेक्शन कितने सीट पे होता है, 296 सीट्स पे होता है। ठीक है, और 296 सीट्स में जो है नॉमिनेशन कितना था, अगर किसी को 93 सीट्स मिल जाते हैं, है ना, 93 सीट्स पर क्या था, नॉमिनेशन था। नॉमिनेशन का मतलब क्या है, नॉमिनेशन का मतलब यह है कि अगर कोई 93 सीट्स पा जाता तो जो है वो इस इलेक्शन को जीत जाता और इसके हिसाब से सरकार बनती। ठीक है, सरकार कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स चुने जाते हैं। ठीक है, तो जब बेटा 296 सीट्स पर क्या होता है, 296 सीट्स पर आपकी इलेक्शन होती है, तो इसमें जो है 208 सीट्स किसको मिलती है बेटा, 208 सीट्स मिलती है कांग्रेस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो है मिलती है। आईएनसी का मतलब क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। 73 जो है मिलती है किसको बेटा, मुस्लिम लीग को। मुस्लिम लीग को जल्दी से कमेंट करके मेरे को बताओ, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, और जिन्होंने की थी ना, किसने,
वो जिन्ना ने की थी ना, नहीं मोहम्मद अली जिन्ना ने। नहीं तो मुस्लिम लीग, सालिम उल खान। सालिम उल खान एक मेंबर थे जब फाउंडेशन हुआ, ढाका आगा खान। ठीक है, हालांकि सिर्फ आगा खान नहीं थे जिन्होंने जो है फाउंड किया था, लेकिन अगर पूछा जाता है किसने किया तो आपको आगा खान ही जो है बोलना है। ठीक है, सलीम सलीम उल्ला खान भी जो है उसमें थे, जाकिर। तो आगा खान के द्वारा जो है ढाका में जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ना, मेंबर्स उसमें बहुत सारे थे। तो बेटा ये होता है, जाहिर सी बात है बेटा, 208 सीट किसको मिली है, कांग्रेस को मिली है। तो बहुमत किसको है बेटा, कांग्रेस को है। ठीक है, और फाइनली कांग्रेस जीत भी जाती है। ठीक है, अब देखते हैं 2023-24 के इलेक्शन में जो है क्या होता है। ठीक है, हालांकि जो भारत जोड़ो यात्रा है वो काफी सही चल रही है, लेट्स सी। चलिए, इसके बाद होता क्या है बेटा, इसके बाद जब जो है जीत जाती है कांग्रेस, तो इस समय जो है भारत का वॉइसरॉय हुआ करता था कौन, मैं इसको हटाता हूँ फिर लिखूंगा। ठीक है, आप लोग अब चाहो तो फोटो वोटो खींच लो, फिर आगे चलते हैं। देखो धीरे धीरे जब क्लास आगे बढ़ रही है तो आप लोग भी जो है क्लास के साथ कंफर्टेबल हो रहे होंगे, और धीरे धीरे बहुत सारी चीजें जो है प्रॉपर पता भी चलती जा रही होंगी। जैसे कल जो मैंने स्क्रीनशॉट दिया था उसमें बहुत सारी चीजें जो है जो थी वो प्रॉपर नहीं गई थी, है ना, लेकिन अब जो मैं जो स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ वो बिल्कुल जो है प्रॉपर जा रही है। ऐसे जो है इंसान धीरे धीरे सीखता है चीजों को। तो इस समय जो है दिस टाइम वॉइसरॉय कौन है बेटा, तो वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, लॉर्ड अबे डफरिन। इस समय 1946 की बात कर रहे हैं, तो लॉर्ड वेवेल है। कौन है बेटा, लॉर्ड वेवेल है। लॉर्ड वेवेल ही जो है क्या करता है बेटा, लॉर्ड वेवेल ही इनवाइट करता है, इनवाइटेड इंडियन नेशनल कांग्रेस टू मीट फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट। फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट या अंतरिम सरकार बनाने का जो है इनविटेशन यही देता है बेटा कांग्रेस को। आ रही बात समझ में। और इसके बाद बेटा 2 सितंबर 1946 को बेटा फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट वॉज फॉर्म। फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट वॉज फॉर्म, पहली अंतरिम सरकार जो है आपकी बन जाती है। इसमें कौन कौन से मेंबर क्या क्या हुआ करते थे इसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको अभी हम लोग कुछ देर में डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए बेटा, कैबिनेट ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट या मिनिस्टर्स ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। अंतरिम सरकार के जो भी जो आपके कैबिनेट थे वो कौन कौन से थे उनके बारे में जो है हम लोग जानेंगे। ठीक तो इसको भी सेव कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं और स्टॉप शेयर करते हैं। ठीक है क्लास, आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे हम लोग और इसके आगे जो है कंटिन्यू करेंगे। तो स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और पढ़ाई वढ़ाई करते रहिए। टाटा और बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट टू एवरीवन।